So the activity towards halogens, formation of halides. तीन तरह के halides बनाते हैं EX6, EX4 and EX2. हमें पता है कि halides कौन-कौन से हैं? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. ठीक है? जब हम लोग halides देखते हैं, तो हम देखते हैं कि fluorine के जो halides बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा stable हैं. अगर order of stability देखें, तो fluorine के halides सबसे ज़्यादा stable, उसके बाद chlorine के, उसके बाद bromine के और उसके बाद आयोडीन के. स्पेशली जब हम लोग आयोडीन की बात कर रहे हैं तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये सिर्फ टेट्रा आयोडाइड्स बना सकते हैं. दे कैन फॉर्म ओनली टेट्रा आयोडाइड्स. एज फार एज ऑक्सीजन इज कंसर्न, तो ऑक्सीजन सिर्फ OF2 बनाता है. ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल हैलाइड ऑफ ऑक्सीजन. OF2 द मोस्ट स्टेबल हैलाइड ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, उसके अलावा इट फॉर्म्स मोनोहैलाइड्स. ये वाला ग्रुप मोनोहैलाइड्स. मोनोहैलाइड्स का मतलब क्या हुआ? इट इज गोइंग टू हैव ओनली वन हैलोजन एंड स्टेबिलिटी इज अगेन गोइंग टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, फिर उसके बाद इट फॉर्म्स डाइहैलाइड्स व्हिच हैज टू हैलोजन्स. Stability being the same, dihalides are formed of the order, जैसे for example हम लोग बोलते हैं HCl2, ठीक है, और monohalides कैसे बनेंगे? Of the type HC2Cl2, right? HCl2 जो है sulfur dichloride, it has the same shape as sulfur dioxide, that is bent or angular. ठीक है, उसके बाद trihalides नहीं बनाता. ज्यादा commonly tetrahalides बनाता है, और सबसे common जो tetrahalide है that is SF4. structure अगर SF4 का देखे, it has a lone pair of electrons. Hybridization जब देखते हैं इसपे, hybridization is sp3d. ठीक है, और shape जो इसकी है that is seesaw. Okay. So tetrahalide में this is one thing which is important, seesaw geometry. फिर उसके बाद another important halides जो ये बनाता है that is hexahalides. And the most common hexahalide is SF6. Shape SF6 की octahedral. SF6 with sp3d2 hybridization, shape is octahedral. ठीक है, all the bond angles पता है ना आपको, दो तरह के angles होते हैं, one is दो तरह के bonds होते हैं, one is equatorial bond and one is axial bond. उसी तरह से यहां पे भी चार इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और दो एक्सियल बॉन्ड्स, राइट? यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं, दे ऑल आर
equal to 90 degree, right? Another important aspect जो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि hexahalides are only formed by fluorine. This is important. क्यों सिर्फ fluorine ही hexahalide बनाता है? क्योंकि fluorine का size छोटा है. जैसे-जैसे size बड़ा होता रहेगा, वैसे-वैसे coordination number जो है वो कम होता रहेगा. और अगर coordination number कम होगा, तो chlorides, bromides और iodides SF6 नहीं बना सकते. क्योंकि size ये बड़ा हो जाएगा, तो obviously what will happen? Circumference तो circle का उतना ही है ना, तो उनको उतने से circumference के अंदर अपने आप को fit करना है. जब surrounding atoms एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो repulsion होने लग जाएगी. तो उसकी वजह से coordination number सर्कमफ्रेंस बड़ा हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कम होना पड़ेगा, तो बाकी कोई भी हेक्साहैलाइड्स नहीं बनाता. अनदर एग्जांपल, अनदर क्वेश्चन जो कि इसमें से आता है कि SF6 जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट नॉन रिएक्टिव हैलाइड्स ऑफ दिस ग्रुप. Most non-reactive halides of this group. Now, इतनी जैसे एक बड़ी minor सी simple सी reaction जो होती है hydrolysis reaction, वो भी SF6 undergo नहीं करता है. क्यों ऐसा हो रहा है? Because when we talking of SF6, तो हम देख रहे हैं कि इसकी सारी valencies completely filled है. Already इसके पास excess octet है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 to 12. और ऑक्टेट में 8, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस डी ऑर्बिटल्स में एक्साइट होके बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है? तो अब अगर हम इसको रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो देयर इज नो वैलेंस डी ऑर्बिटल्स. सेकंडली, ये फ्लोरीन इस सल्फर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखता है. अगर वो प्रोटेक्ट हो रहा है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस. तो दो क्वेश्चंस इस सेक्शन में से, इनफैक्ट 4 क्वेश्चंस इन सेक्शन में से आ सकते हैं. गिव अस द शेप ऑफ SF4, गिव अस द शेप ऑफ SF6, व्हाई हेक्साआयोडाइड्स एंड हेक्साक्लोराइड्स आर नॉट फॉर्म, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई SF6 इज मोस्ट नॉन रिएक्टिव अमंगस्ट ऑल द हैलाइड्स ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है? तो ये 4 क्वेश्चंस जो है वो इस सेक्शन में से इंपॉर्टेंट है. ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, फर्स्ट उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, मतलब ऑफ दिस ग्रुप है. द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रुप वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो नेक्स्ट इज केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन and its compounds. दो compounds हमने करने हैं इसमें. One is oxygen and the other one is ozone. And then a little discussion about oxides. Oxygen, the first element, और already हम पढ़ चुके हैं कि by volume 21.4% in the atmosphere by volume is oxygen, right? सबसे पहले oxygen को prepare किया था by a scientist whose name was Carl Sheen. Okay? उसके बाद कुछ और reactions करी थी एक और scientist ने whose name was Priestley. तो दोनों को credit दिया जाता है for preparation of oxygen. Oxygen has 3 isotopes, O16, O17 and O18, in which O18 that is the radioactive isotope of oxygen. ठीक है? जब हम इसको preparation करते हैं, तो in general हम बोलते हैं कि हम किसी भी oxide को heat करेंगे, तो वो ऑक्सीजन देगा. यू कैन टेक एनी ऑक्साइड, एक सिंपल सा ऑक्साइड अगर हम लें, जैसे हम ले रहे हैं
मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है ऑक्सीजन जनरली इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर ठीक है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम इसे कलेक्ट करते हैं जब लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं फिर उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करते हैं अगर हम रेड लेड को हीट करते हैं राइट सो किसी भी ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन हमें एक उसमें से प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा पर जब लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करते हैं इसे तो लेबोरेटरी में लैब प्रिपरेशन इसकी होती है बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3 सो KClO3 को हम हीट करते हैं एट 420 केल्विन एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट जो रेशियो इसमें KClO3 और मैंगनीज डाइऑक्साइड की ली जाती है दैट इज 4:1 द रेशियो ऑफ KClO3 एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड दैट इज टेकन एज 4:1 अब ये वाली रिएक्शन हम विदाउट मैंगनीज डाइऑक्साइड भी कर सकते हैं बट इन दैट केस रिएक्शन इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्लो और दूसरा जो टेम्परेचर है वो हमें 420 से हाई चाहिए ठीक है सो ये एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी किसी भी ऑक्साइड को आप हीट करते हो तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और लेबोरेटरी में हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं भाई KClO3 इंडस्ट्रियली भी ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्रियली हम बेसिकली प्रिपेयर करते हैं वाटर में एक अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करे तो ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है राइट ये वाली रिएक्शन जो है इट इज सेड दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक ओके साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द वर्ड जो कि मैं यूज कर रही हूं यहां पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है कि स्पार्क नहीं देनी है हमने साइलेंटली लो टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना है क्योंकि अगर हम स्पार्क यहां पे देंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है ली चार्टियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिवर्स रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ठीक है सो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देके ऑक्सीजन इसमें हम प्रिपेयर कर सकते ऑल्सो इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम एयर ठीक है एयर में ऑलरेडी हमने पढ़ा कि 21 कुछ है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करेंगे तो हम ऑक्सीजन को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं समझ आ गई नोट्स देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज Physical properties number one colorless, odorless gas and tasteless gas. Number two, soluble in water. Number three, highly inflammable. है कि नहीं है? It is highly inflammable. या highly inflammable की जगह आप डाल सकते हो. High supporter of combustion. Highly inflammable की जगह डालो. It is a good supporter of
combustion. Without oxygen, combustion cannot take place. ठीक है? And most important, molecular oxygen is paramagnetic in nature. In spite of the fact कि इसके पास even number of electrons है, क्योंकि molecular orbital structure अगर plus one का याद है तो उसमें हमने देखा है कि two unpaired electrons इसके पास होते हैं, इसके वजह से it is paramagnetic in nature. ठीक है? याद तक आ गया समझ? Then let's go on to the chemical properties of oxygen. It is neutral to litmus. सबसे बड़ी बात. So therefore, अगर neutral to litmus है, तो इसका मतलब it is a neutral gas. ये एक इसकी first property है. Neutral to litmus का मतलब होता है कि ना तो वो blue litmus को red में convert करेगा, ना ही red को blue में convert करेगा. Second, उस property जिसकी वजह से हम लोग सब जिंदा है, animal life, plant life, supporter of combustion, supporter of combustion, oxidation of food, that means oxygen is supporter of life, which makes it the most important gas which is present in the atmosphere. ठीक है? Third, reaction with metals. Metals के साथ ये oxides बना देता है. So अगर हम sodium के साथ oxygen को react करेंगे, तो sodium oxide बन जाएगा. ठीक है? अगर calcium के साथ react करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा. मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. सो जिस भी मेटल के साथ हम रिएक्ट करते हैं, इट गिव्स अस अ मेटालिक ऑक्साइड. उसी तरह से अगर हम नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बन जाएंगे. ठीक है? सो रिएक्शंस with non-metals hydrogen के साथ अगर react करते हैं, तो water बन जाता है. ठीक है? carbon के साथ अगर react करेंगे, carbon dioxide बन जाएगा. नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा. सो इट गिव्स विद ऑल वेदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, इट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? इट इज गोइंग टू गिव अस ऑक्साइड्स. फिर इट आल्सो रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स, रिएक्शंस विद कंपाउंड्स. टू थ्री रिएक्शंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट. The first reaction is reaction with sulfur dioxide in presence of vanadium pentoxide as a catalyst. It is going to give us sulfur trioxide, which is the base reaction of contact process. फिर एक और reaction हमने करी थी ammonia के साथ. है ना? ये भी करी थी रोडियम के प्रेजेंस में, विच इज द बेस रिएक्शन ऑफ ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन में होता है ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस? नाइट्रिक एसिड. कर तो चुके हैं ये रिएक्शन भी हम. ठीक है? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो रिएक्शन है, that is reaction with hydrocarbons.
हाइड्रोकार्बन्स के साथ जो ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है उसको मोस्ट कॉमनली हम कंबशन रिएक्शंस बुलाते हैं. ठीक है, तो जहां पे भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ कंबशन रिएक्शन होगी प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा. जैसे सबसे लोएस्ट मेंबर लेते हैं मीथेन, all these reactions they are exothermic in nature. So in sub reactions ka delta H jo hai that is going to be negative. Theek hai, clear ho gaya? Balance kar lo. Jaise jaise number of carbon atoms badhte chale jayenge वैसे वैसे वहां पे जो हीट निकल रही है वो भी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, अगर हम C2H6 के साथ करते हैं अगेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा कुछ भी और नहीं हो सकता. सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, अब हमने किया था कि ऑक्सीजन एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप इट शोज एनोमलस बिहेवियर. तो क्यों एनोमलस बिहेवियर वो शो करता है? नंबर वन ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव डी ऑर्बिटल्स. सो इन चार की वजह से ऑक्सीजन बाकी फैमिली मेंबर्स से अलग है. ठीक, यूजेस अगर हम ऑक्सीजन के देखें, लेट्स गो ऑन टू द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, एक जैसे कि मैंने अभी बोला सबसे बड़ी यूज इसकी यही है कि इट इज अ सपोर्टर ऑफ लाइफ. ठीक है, दिस इज द बेस्ट यूज, सपोर्टर ऑफ लाइफ, सपोर्टर ऑफ कंबशन. सेकेंड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज in oxyacetylene flame. Oxyacetylene flame for welding purposes. Temperature जो oxygen और acetylene को हम लोग mix करके जब burn करते हैं तो उसका temperature is very very high of the order of almost 1400 Kelvin. तो इसलिए iron को वो मेल्ट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए इसे यूज करते हैं. ठीक है, थर्ड, लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्लूइड, फ्यूल सॉरी. लिक्विड ऑक्सीजन that is used as a rocket fuel. Then it is used in the manufacture of many useful oxides. Oxides बनाने के काम भी आता है. और जो oxygen 18 है, oxygen 18 as a isotope it is used as a tracer for many chemical reactions जिनके बारे में otherwise पता नहीं चलता. तो ये oxygen 18 that is used as a tracer. ठीक है, it is used in the production of titanium dioxide and synthesis gas. Syn gas भी बुलाते हैं हम इसको. मैन्युफैक्चर ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड सिन गैस, सिंथेसिस गैस या सिन गैस. सिन गैस का केमिकल फॉर्मूला इज सीओ प्लस एच टू. ठीक है, तो ये कुछ इसके यूजेस हैं. देन वी कम टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. That is classification of oxides. Oxygen के सारे compounds को हम oxides बुलाते हैं. Oxides हमारे पास
normal oxides है, right? जैसे कि हमने अभी सारे पढ़े, calcium oxide, magnesium oxide, lead oxide, ये सारे के सारे जो हैं, they all are simple oxides, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास दूसरे टाइप ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीऑक्साइड्स बुलाते हैं उसमें हम दो कैटेगरीज करते हैं वन इज परऑक्साइड्स परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है या परऑक्साइड आयन जो है दैट इज O2 negative, right? This is what peroxide ion is. O2 negative, which is it is present in all the peroxides. Hydrogen peroxide, sodium peroxide, ठीक है? फिर उसके अलावा हमारे पास है peroxide में barium peroxide. लेड परऑक्साइड लेड डाइऑक्साइड भी बुलाते हैं लेड परऑक्साइड भी बुलाते हैं सेकंड थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड्स पॉलीऑक्साइड्स है दे आर नोन एज सुपरऑक्साइड्स जो सुपरऑक्साइड्स है उसका आयन इज O2 नेगेटिव दिस इज सुपरऑक्साइड Right? Example superoxide का KO2 NaO2 right? फिर उसके बाद suboxides साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव से कम होती है जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी वैलेंसी इसमें नहीं होती जैसे नाइट्रस N2O सो N2O क्या है इट इज गोइंग टू बी सब ऑक्साइड क्लियर हो गया एंड द लास्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स वी हैव इज मिक्स्ड ऑक्साइड्स मिक्स्ड ऑक्साइड्स में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें नजर आता है जैसे Fe3O4 Pb3O4 Al2O3 दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स राइट अब हम ऑक्साइड्स को On the basis of their acidic and basic character, हम उसको further classify करेंगे into 4 kinds. ये तो हो गया depending upon कि iron कौन सा present है. Normal oxide में आपका normal iron present रहता है. O2 negative. O2 negative माने okay. फिर peroxide में O2 negative. Superoxide is O2 negative. Suboxide oxidation number is less than 2 negative and mixed oxides the oxidation number cannot be predicted by the normal method. ठीक है? अब हम लोग चलते हैं कि oxides को हम acidic और basic character पे किस तरह से classify कर सकते हैं? The oxides can be classified as Number one, basic oxides. Basic oxides कौन से हुए जो कि water में dissolve होके bases दें उन्हें हम basic oxides बुलाते हैं जैसे for example Na2O plus water
give us sodium hydroxide. So ये base दे रहा है, therefore this is a basic oxide. उसी तरह से अगर हम calcium oxide ले ले, तो वो calcium hydroxide दे रहा है. So this is also a basic oxide. तो मोटा मोटा अगर बोले तो हम बोल सकते हैं जितने भी metallic oxides होते हैं वो सारे basic oxides हैं. जितने भी metal से oxides बनेंगे वो सारे basic oxides. ठीक है, आया समझ? Second, acidic oxides. अब acidic oxides कौन से हुए? जो water के साथ dissolve होके acid देंगे, वो acidic oxides हो गए. जैसे for example हम ले रहे हैं sulfur trioxide, इसको हम water के साथ dissolve करते हैं, H2SO4 मिल गया. So sulfur trioxide is acidic oxide. ठीक है, उसी तरह से nitrogen trioxide या nitrogen dioxide ले लो, nitrogen dioxide इसको H2O के साथ करेंगे तो nitric acid मिल जाएगा. तो मोटा मोटा हम बोलते हैं कि जितने भी non metallic oxides हैं वो सारे acidic हैं. Another example हम carbon dioxide का भी ले सकते हैं. Carbonic acid दे देता है, so carbon dioxide is also an acidic oxide. फिर जो metalloids होते हैं वो amphoteric oxides होते हैं. So the third kind of oxides which we have are known as amphoteric oxides. For example, aluminium oxide. Amphoteric oxides वो ऑक्साइड्स हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, सो अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करें तो यहां पे ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो इसे हमें क्या देना चाहिए? सॉल्ट प्लस वाटर. तो ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड देता है. Hexa-aquiluminate ion. ठीक है, ये coordination chemistry जब हम करेंगे तब हम इसको detail में करेंगे, right? उसी तरह से base के साथ react करके भी ये हमें एक coordinate compound दे रहा है. Sodium hydroxide के साथ it is giving us sodium hydroxy illuminate. ठीक है, सो ये amphoteric oxide हो गए जो कि acid और bases दोनों की तरह behave कर रहे हैं. And then the fourth type, neutral oxides. Neutral oxides काफी कम है. Neutral oxides कौन से हुए? वो oxides जो ना acid ना base की तरह behave करते हैं. तो हमारे पास कुछ हैं जैसे laughing gas, nitric oxide and carbon monoxide. ये सारे के सारे क्या हैं? They are neutral oxides. ठीक है? आ गया यहाँ तक समझ? Then the next compound which we are going to do, that is ozone. नोट्स खोल लो अपने. ओजोन, O3, right? It is an allotropic form of oxygen which is found in the upper atmosphere. ठीक है, generally ये क्या
कैसे फॉर्म होता है ऑक्सीजन रिएक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज के साथ टू गिव ओजोन राइट सो ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव ओजोन एंड डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन Delta H for this reaction that is going to be positive and it is of the order of approximately 142.7 kilojoules per mole. Right? Ye iska delta H hai. Ab preparation of pure ozone hum kaise karte hain? Preparation of pure ozone that is done in a ozonizer. Ozonizer by passing an electric spark, sparkless electric spark, oxygen ke upar. So, same yahi reaction hai. Reaction is reversible. से हम ओजोन को प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है प्रॉपर्टीज अगर ओजोन की देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज अ ब्लू गैस इट इज अ ब्लू गैस हैविंग अ पंजेंट ओडर इट इज हैवियर देन एयर राइट It is heavier than air, slightly soluble in water. Slightly soluble in water. It is diamagnetic in nature. Oxygen paramagnetic tha, aur ozone jo hai इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ठीक है और अगर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की हो जाए तो दे आर हार्मलेस पर ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वो क्या करेगा अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो यूवी रेडिएशन हमारे तक पहुंचेगी विच आर हार्मफुल फॉर द स्किन ओके हमारी स्किन के लिए और लाइफ के लिए भी अदरवाइज ऑल्सो इट इज हार्मफुल ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम इसकी देखते हैं तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकी बहुत सारी है डीकम्पोजिशन आपको नोट्स में दी हुई है राइट नोट्स में आपको फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ लिटमस दिया हुआ है ओजोन इज न्यूट्रल सो इट डज नॉट Change blue litmus to red and it will not change red litmus to blue. Secondly, easily decompose ho sakta hai. Agar hum 475 Kelvin pe oxygen ko heat karenge, ozone ko heat karenge, to oxygen ban jayega. But the most important properties is oxidation properties ya oxidizing nature. जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज इवन अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन व्हाई बिकॉज ओजोन डीकंपोज करता है इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन तो ये भी ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये भी ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है इसलिए ये ज्यादा बेटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग है देन ऑक्सीजन ठीक है सो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ रिएक्शंस जो कि आपको आनी चाहिए द फर्स्ट रिएक्शन इज इट कन्वर्ट्स
lead sulfide to lead sulfate. So reaction kya hai? PbS plus 4 ozone to give us lead sulfate as the major product aur uske saath oxygen. ठीक है, second property, it converts HCl to water. या HCl to chlorine देखो. Balanced equation. ठीक है, third it oxidizes KNO2 to KNO3. Oxidizes KNO2 to KNO3. So ये कुछ इसकी reactions हैं जो कि important है. उसी तरह से non-metals को भी, जितने non-metallic वो है उनको भी ये oxidize करता है. जैसे for example ये भी reactions important है. Iodine is converted to iodic acid. Iodine to iodic acid. So, इसपे हमें water की जरूरत भी पड़ती है. Reaction होगी iodine plus ozone plus water. Right? Iodic acid is HIO3. Balance करो equation. ठीक है, then next is sulfur to sulfuric acid. It converts sulfur to sulfuric acid. So sulfur plus balance करो. 3 3s are 9 1 10. 4. ठीक है, 3O2 it converts phosphorus to phosphoric acid. Plus oxygen. ठीक है, एक इसकी बड़ी एक पिक्यूलियर सी प्रॉपर्टी है ओजोन की, कि जैसे आपको पता है कि मर्करी जो है, मर्करी को हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं थर्मोमीटर में यूज. मर्करी की क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसे थर्मोमीटर में यूज करते हैं? इट डज नॉट स्टिक टू द ट्यूब. ठीक है, पर जब मर्करी ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है. मर्करी स्टिक करने लग जाता है एंड दिस इज नोन एज टेलिंग ऑफ मर्करी. बेसिकली रिएक्शन जो उसके पीछे है वो क्या है? HG plus ozone to give oxygen, O2. अब ये जो यहाँ पे बन रहा है compound mercury का, which is oxide of mercury, this oxide of mercury that starts sticking to the tube, और ये जो property change हो जाती है. इसे हम टेलिंग ऑफ मर्करी बुलाते हैं.
This is known as tailing of mercury. फिर उसके बाद next uses of ozone. किसलिए use होता है? Disinfection, या sterilizing of water, oxidation. ये दो properties, bleaching action. Right? So uses अगर हम ozone की लिखे, first uses, it is used for sterilizing water or disinfecting water. Second, it is used as a strong oxidizing agent. Three, it is used as a bleaching agent, mild bleaching agent है ये, तो bleaching agent की तरह use होता है. Ozone basically क्या करता है कि जैसे vegetable matter लिया, उसको ozone के साथ जब react करते हैं, तो it is going to give us what? Colorless matter plus oxygen. Plus oxygen. ठीक है? So it is used as a bleaching agent. Sugars वगैरह, sugar को bleach करने के काम भी आ सकता है. और fabric को, vegetable matter को, ठीक है? And then fourth, it is used to किसके लिए? Purifying air in crowded places, auditoriums, cinema halls. इन सब में एयर को प्योरीफाई करता है बिकॉज़ ये डीकंपोज हो जाता है टू गिव ऑक्सीजन. तो जब सफोकेशन होने लग जाती है तो इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई द एयर. एंड देन आल्सो आपने पढ़ा है इट हेल्प्स इन अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स to form aldehydes and ketones. ये भी जो है, that is also what? क्या है ये? This is also an oxidation property only. Ozonolysis भी oxidize ही हम कर रहे हैं, right? So with this we finish oxygen and its compounds.